नमस्कार दोस्तों, इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार की लास्ट वन ईयर्स घटनाओं पर अर्थात अगस्त 2021 से 2022 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसा कि 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला है, इसलिए बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। बीपीएससी एग्जाम के लास्ट 20 डेज जो बचे हुए हैं, इनमें इवोक आईएएस के चैनल के माध्यम से आपको यथासंभव जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पीटी एग्जाम से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का 2021-22 का जो आया था उसके जो है आंकड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनमें जो बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी, 25.4% बताई गई आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के जो मधेपुर जिला है वहां की जो है जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट, बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया, तो पिंक परेड के माध्यम से। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने पौधे लगवाए थे, तो 5 करोड़ पौधे लगवाए थे। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, तो काबरताल जो वेटलैंड है, काबरताल जो झील है उसको बेगूसराय की 39वां रामसर साइट घोषित किया गया और बिहार का यह पहला रामसर साइट है। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काबरताल वेटलैंड यह भारत का 39वां रामसर साइट है और बिहार का पहला रामसर साइट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान कौन सा है पहला। जो रामसर साइट है वह एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग बिहार का जैसे पहला हो गया काबरताल, तो उसी प्रकार से हाल ही में अभी 13 रामसर साइटों को और शामिल कर लिया गया है। तो आप लोग भारत की सभी रामसर साइटों को एक बार देख लीजिएगा, रामसर के बारे में देख लीजिएगा, इसका जो है कब इसका सम्मेलन हुआ था, भारत इसमें कब शामिल हुआ था, सारी चीजों को। नेक्स्ट, बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह शिशिर सिन्हा हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी उसको जो है हम बताते चलेंगे, उसको तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका पीडीएफ मैं बता दूंगा आप लोग कहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो पश्चिमी चंपारण। तो आप लोगों को इसको याद रखना है, गांधी जी पर एक थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराधों के मामलों में बिहार का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान। बिहार के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं कौन है, विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष तक की आयु तक के लिए किस योजना के तहत 15,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की, तो बाल सहायता योजना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आपको पैसे याद रखने हैं 1500 रुपए प्रतिमाह, और योजना कौन सी है, बाल सहायता योजना, 18 वर्ष तक की आयु के लिए दिए जाएंगे जिनके माता पिता कोविड-19 में जो है जिनकी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो बिहार सरकार द्वारा। यह भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन है, तो बिहार के लिए गर्व की बात है कि पहला एग्री हैकाथन जो है बिहार द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही, तो 11.5%। और अभी जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा भी गया था। नेक्स्ट, बिहार के किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर शालिनी को। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड बिहार की जो है वह डॉक्टर शालिनी को जो है दिया गया। नेक्स्ट, लगातार छठी बार निर्विरोध बिहार राज्य के कबड्डी संघ के दो अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम है अंजनी कुमार सिंह। 7 निश्चय योजना बिहार में जो एग्जाम होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है योजना। 7 निश्चय योजना 2 साल के लिए अतिरिक्त सुविधा के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई, तो बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, मक्का उत्पादन में क्रमशः देश का पहला और दूसरा स्थान किसका है, तो तमिलनाडु का पहला और बिहार का दूसरा स्थान है मक्का उत्पादन के लिए।
बिहार के किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, तो ज्योति कुमारी को वीरता पुरस्कार 2021 दिया गया। तो इनको साइकिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है अब ज्योति कुमार को। नेक्स्ट, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार जो है वह पहला राज्य बन गया पूरे देश का। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ई भंडारण प्रणाली, देश में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला। नेक्स्ट, किसके जन्म दिवस के अवसर पर 1 मार्च 2021 को बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया गया, तो नीतीश कुमार के जन्मदिन पर। और नीतीश कुमार का जन्मदिन 1 मार्च 2021 को मनाया जाता है और इस डेट को बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया, तो 3 शहरों को चुना गया। आपको शहर याद रखने हैं, सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 का आयोजन कहां किया गया, तो पटना में। कविता संग्रह एक आंधी नरेंद्र मोदी, एक कविता संग्रह है जिसका नाम है एक आंधी नरेंद्र मोदी। पुस्तक के लेखक कौन है, संजय चेसियार। आप लोगों को यह पॉइंट जरूर याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो मेगा व्यापार मेला लगाया गया तो उसका आयोजन कहां किया गया, पटना में, क्योंकि इंटरनेशनल से संबंधित यह व्यापार है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, पटना में इसका आयोजन किया गया इस बार। बिहार के कितने जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना क्रियान्वित की जाएगी, तो 13। इसमें जितने भी पॉइंट है सारे महत्वपूर्ण है, एग्जाम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंटों को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट, सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई है कौन, अंजलि, और यह बिहार राज्य से संबंध रखती है। देश के सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो गांधी सेतु जो पटना से संबंधित है उनको इससे दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पांडुला स्कूल को बनाने की मंजूरी मिली और यह जो पुल है बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी, तो झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। अर्थात जो केंद्र सरकार ने पांडुला पुल को बनाने की जो मंजूरी दी गई है यह पुल बिहार को झारखंड से और उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। पटना आरा सासाराम को किस राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया, तो NH-119A। तो ये भी आपको याद रखना है, पटना आरा सासाराम को NH-119A राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, पुस्तक जो है ए एनर्जी ऑफ होम एंड बिलीफ किसकी आत्मकथा है, तो सीपी ठाकुर की ये ऑटोबायोग्राफी है, ए एनर्जी ऑफ द होप एंड बिलीफ, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो हिंदी में आशा और विश्वास एक यात्रा के नाम से प्रकाशित की गई है। भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के किस गणतज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, तो आनंद कुमार को। नेक्स्ट, बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 1.83 मीटर की कूंद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया, तो बिहार राज्य के वह शरद कुमार है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आजादी के बाद पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया। तो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने 15 अगस्त 2021 को पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार जो है झंडा फहराने का रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार का 100% डिजिटल बैंक वाला पहला जिला कौन सा बन गया, जहानाबाद, महत्वपूर्ण हो जाता है। देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां COVID-19 वालों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता दी गई है, तो कौन सा राज्य बन गया, बिहार, और देश का यह पहला और एकमात्र राज्य बन गया है इतनी बड़ी राशि देने वाला। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुशांत सिंह राजपूत और श्रुति राव। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य कौन है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी गई, बिहार, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यह जो है महिलाओं के लिए एक अच्छी बात भी है और बिहार ने यह पहल करके जो है अन्य राज्यों को भी एक सीख देने का काम किया है। और देख लेते हैं एक बार और, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर कितने % सीटें आरक्षित की जाएंगी लड़कियों के लिए, तो 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी और ऐसा करने वाला बिहार पूरे देश का एकमात्र राज्य बन गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से बिहार का जो है अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार को जो SDG इंडेक्स में
समग्र रूप से अंतिम स्थान मिला है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एसटीजी इंडेक्स में पहला स्थान पूरे देश में किसको मिला है। नेक्स्ट, बिहार के मधुबनी जिले से किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल परिचालन किया जाएगा, तो नेपाल। बिहार राज्य के किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली, तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है या इसको अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली। और कौन सी योजना है वह, अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। नेक्स्ट, चौथा कृषि रोड मैप 2022 से 2027 काफी इंपॉर्टेंट है या किस विषय पर केंद्रित होगा, तो मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली पर। जो कृषि रोड मैप तीसरा जो कृषि रोड मैप था वह जैविक कृषि पर आधारित था, और चौथा जो एग्रीकल्चर रोड मैप है वह मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली पर आधारित है। नेक्स्ट, 25 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल एवं डीजल बनाने की फैक्ट्री का उत्पादन शुरू किया गया, तो मुजफ्फरपुर से। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता, तो प्रमोद भगत ने, और यह बिहार से संबंधित रखते हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2021 में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में हाई जंप में कांस्य पदक जीता, तो शरद कुमार, और ये मुजफ्फर जिले से संबंध रखते हैं। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप खेल में कांस्य पदक जीता और स्वर्ण पदक, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है स्वर्ण पदक, प्रमोद भगत टोक्यो पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट, 15वां जो वित्त आयोग की सिफारिश के तहत टाइड स्कीम अर्थात जो निश्चित योजना के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई, तो 1112 करोड़। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल अर्थात कचरे से कमाई को देश की हर गांव में अपनाने के लिए कहा, तो मधुबनी जो है जिला, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह जिला जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा मधुबनी जिले के सुखेत मॉडल जो कचरे से कमाई को देश के हर गांव में अपनाने के लिए कहा गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में पेप्सी कंपनी ने 500 करोड़ की लागत से जो बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई, तो बिहार के बेगूसराय जिले में। बिहार के किस व्यक्ति को सारा भाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो सुपर 30 के संचालक कौन, आनंद कुमार को। बिहार गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया, संजीव मिश्रा को। बिहार की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मनोरमा ग्रुप के ये CMD भी हैं और इन्हें बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, संजीव मिश्रा। नेक्स्ट, बिहारी ठाकुर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भगवती प्रसाद द्विवेदी को। बिहार सरकार द्वारा कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्रों को कितने रुपए देने की घोषणा की गई, तो 25,000 रुपए देने की घोषणा की गई। किस योजना के तहत, कन्या उत्थान योजना के तहत जो छात्राएं स्नातक पास कर जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को जो है 1,00,000 रुपए राशि का अनुदान दिया जाएगा, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है और इसके लिए जो है 1,00,000 रुपए का अनुदान राशि दिया जाएगा जो महिलाएं अंतरजातीय विवाह करेंगी। नेक्स्ट, समेकित बाल विकास योजना में 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को जो है समेकित रूप से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो 6 सेवाएं हैं जिनमें पहला पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ सेवाएं, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच। और यह योजना जो है समेकित बाल विकास योजना के तहत 6 जो सेवाएं हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे को, गर्भवती हों चाहे धात्री महिलाएं हों या फिर किशोरी बालिकाओं को जो है ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नेक्स्ट, बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी, तो नीतीश कुमार ने। पहला गौरव सम्मान सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को दिया गया और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2009 में। नेक्स्ट, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1,00,000 आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं, तो 6 बेड उपलब्ध हैं। और देश में सबसे कम झारखंड जहां पर 9 बेड उपलब्ध हैं और औसतन जो है 24 बेड का जो है स्तर है। और 24 बेड को देखते हुए देखें तो यह संख्या बिहार में बहुत कम है, झारखंड में तो 9 और बिहार में 6, और ये जो 6 बेड हैं प्रति 1,00,000 आबादी पर हैं।
नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो गांधी मैदान गया में स्थित है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है या बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में गांधी मैदान में किया गया। वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली, अभी ये पूछा भी गया था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटा बेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लागू किया? तो चक्र ऐप बिहार सरकार ने अपराधियों के डेटाबेस को तैयार करने के लिए इसे लागू किया। मार्च 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट रेट 75 फोटो प्रदर्शनी आयोजन बिहार में कहां किया गया? तो पटना में इसका आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी। बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की? तो 25 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना की बिहार सरकार ने, और 2022 तक पूरे बिहार में 23.5 लाख मीटर स्मार्ट मीटर का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, बिहार का पहला रबड़ डैम किस नदी पर बनाया जाएगा? फाल्गु नदी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला रबड़ डैम जो है फाल्गु नदी पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सुपौल जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है बिहार में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सुपौल। बिहार का कौन सा शहर भारत स्वच्छ मिशन के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट जो है वह स्वच्छ, जो भारत स्वच्छ मिशन जो है उसके तहत सबसे प्रदूषित शहर रहा है। भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती दिसंबर 2021 में मनाई गई, और बिहार सरकार द्वारा किस रूप में इसको मनाया गया? तो मेधा दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मेधा दिवस बिहार सरकार ने किस रूप में मनाया इसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के रूप में। बिहार सरकार के किस शिक्षक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार को। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, एजुकेशन आइकन अवार्ड विनोद कुमार को। हाल में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया? तो कोसी मेची लिंक परियोजना महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी। हाल ही में बिहार विधानसभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अमीर सुबहानी को। तो हाल ही में बिहार विधानसभा के सचिव कौन बने हैं? तो अमीर सुबहानी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो मधुबनी जिला। इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत मधुबनी जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार देश का सबसे गरीब राज्य जो है बिहार, काफी जो है वाकई में सोचने की बात है बिहार सरकार के लिए, और इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और देख सकते हैं कि गरीबी सूचकांक में पूरे भारत में बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, और किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है। महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पटना शहर बिहार का सबसे कम गरीब जिला। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, और सबसे गरीब जिला जो है बिहार का किशनगंज है, और जो सबसे कम गरीब जिला है वह बिहार का पटना जिला। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला? तो महत्वपूर्ण हो जाता है, जो जमुई है वहां पर भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार देखने को मिला है। नेक्स्ट, बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो सफल कपल अभियान। तो सफल कपल अभियान किस लिए शुरू किया गया है? तो बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। बिहार का पहला पक्षी करलव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नकटी जो डैम है, अर्थात नागी नकटी जो पक्षी अभ्यारण जिसे भी कहा जाता है, वहां पर बिहार का पहला पक्षी करलव महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार का द्वितीय पक्षी महोत्सव करलव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो भागलपुर में। तो पहला जो है आपका नाकी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया जाएगा, और जो दूसरा है वह भागलपुर में किया जाएगा, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, बिहार की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पनोरमा ग्रुप के जो CMD है संजीव कुमार को बनाया गया, और इनको बिहार गौरव सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 2021 को बिहार के किस खिलाड़ी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? तो अरबाज अंसारी, जो सहरसा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया? तो सतधरवा जलाशय योजना, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सतधरवा जलाशय योजना को 9 करोड़ की लागत के साथ पुनः जो है बिहार सरकार ने इसको जारी किया। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा पुरस्कार है उसे
जो है डॉक्टर शंकर नाथ झा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद के खेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो प्रमोद भगत जो बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, तो प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक जो है अभी पैरा जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये बैडमिंटन से संबंध रखते हैं और इनको अभी राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल अवार्ड भी प्रदान किया गया। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो पल्लवी राज। तो दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्रमोद भगत को तो आपको भूलना ही नहीं है और अभी जो अंडर 16 जो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें पल्लवी राज ने जो है स्वर्ण पदक जीता, बिहार राज से संबंध रखती है। जो मेरी अल्लड़ कविता भे और मेरी अल्लड़ कविता के जो लेखक हैं डॉक्टर प्रतिभा स्मृति। बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है या बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय इंटरनेशनल पार्क है और यहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है टाइगर रिजर्व के रूप में। नेक्स्ट 21 नवंबर 2021 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 है, राज्यों की रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला, तो 17वां स्थान और इस रैंकिंग में बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान प्रदान किया गया है। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें बिहार को 17वां स्थान मिला है और बिहार के साथ नागालैंड को भी 17वां स्थान मिला है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला स्थान किसको मिला होगा। तो सोचने की बात ही नहीं, इंदौर ने इस बार 5वीं बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। नवंबर 2021 को बिहार के किस जिले में 6ठी अंतर्राष्ट्रीय धर्म जो है धम्म सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया और राजकीय नालंदा जिले में। तो महत्वपूर्ण हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जो उपराष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। अभी जो है हाल ही में नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जगदीप धनखड़ जिनका नाम है और जो अंतर्राष्ट्रीय जो धर्म सम्मेलन है और उसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उनके द्वारा कहां किया गया था, बिहार के राजगीर जिले में। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में मंकी पॉक बनाने की मंजूरी दी गई है, तो अररिया के हिंगला आरोही वेड़ुमन में। बिहार सरकार द्वारा जारी अनुरक्षण मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो ग्रामीण सड़क की निगरानी से संबंधित है। कौन सा ऐप, अनुरक्षण मोबाइल ऐप। 20 से 23 अक्टूबर 2021 के मध्य बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन हुआ था, तो पटना में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर जू सफारी का लोकार्पण किया, तो राजगिरी में। बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जिनमें सौबाल गुप्ता जो साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, इनको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया और दूसरे आचार्य चंदना जी जो सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इस तरह बिहार के दो व्यक्ति जो है जिनको 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी हो जाता है, बेगूसराय जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में बेगूसराय जिले को नामित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुजफ्फरपुर में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। मोतीपुर ब्लॉक में केंद्र सरकार की तरफ से एक मेगा फूड पार्क जो है बनाने की मंजूरी मिली है और जो मोदी मोतीपुर जो है किस जिले में पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर जिले में। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, तो कैमूर। नेक्स्ट, सबसे कम जो वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह शेखपुरा। नेक्स्ट, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो एस सिद्धार्थ को। अगला, बिहार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना। और पटना में ही अभी हमने देखा था कि बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसमें सबसे जो कम गरीबी है वह बिहार के पटना जिले में ही है।
नेक्स्ट, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमने किसको पढ़ा था? किशनगंज जो है सबसे गरीब जिला, लेकिन न्यूनतम अगर हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो जो आय वाला जो जिला है वह शिवहर है। नेक्स्ट, बिहार में महिला की उद्यमशीलता है तो महिला उद्यमी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। इम्पोर्टेंट हो जाता है उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं में महिला उद्यमी मेला का आयोजन पटना में किया गया। नेक्स्ट, मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। लोकपाल ऐप का मतलब है कि मनरेगा से संबंधित जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोकपाल ऐप जारी किया गया। हाल में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ जोड़ा गया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, गया घाट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट, 22 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली नीतीश कुमार की प्रथम समाज सुधार यात्रा किस शहर से शुरू की गई थी? तो मोतिहार जिले से शुरू की गई थी और इसकी समाप्ति पटना में 15 जनवरी को की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, समाज सुधार यात्रा थी, मोतिहार जिले से स्टार्ट की गई और पटना में इसको समाप्त किया गया था। 14 दिसंबर को स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? बिहार का। तो बिहार जिसमें पहली बार अगर बिहार ने कोई अचीवमेंट प्राप्त की है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो इस तरीके से स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार राज्य की पवेलियन ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। महत्वपूर्ण हो जाता है ये भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार राज्य की पवेलियन ने जो है स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को जो है स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई? तो मुजफ्फरपुर में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी, पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गया। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको देखने को मिले सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और एग्जाम से पहले इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, 30 सितंबर के अपने टारगेट को निर्धारित करें और लास्ट 20 डेज में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन से जो है टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जो है इम्पोर्टेंट है वो आप लोग जरूर देखें और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं और 20 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिविजन करें। बस यही जो है की है, बाकी जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। आप लोगों को जो है सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबके जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन कुछ कराए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी रिलेवेंट होंगे, वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। जय हिंद, थैंक यू।